ओ कितनी सुंदर हो तुम अवंतिका, चंदन जैसा मुख है तुम्हारा और बांसुरी जैसी काया और केश जैसे कोई नागरानी। तुम्हारे रूप के आगे कौन टिक पाएगा? देखना, एक दिन इसी राजमहल में कोई सुंदर सा राजकुमार आएगा जो तुम्हें सोने की पालकी में अपने साथ ले जाएगा। खुद से बातें करती हुई ये है राजकुमारी अवंतिका, जो रूपनगर के राजा वीरेंद्र सिंह की एक लौती संतान थी। अवंतिका दिखने में काफी सुंदर थी और इस बात पर उसे बड़ा घमंड था। अरे सौम्या बेटी, जरा पीने के लिए पानी तो देना थोड़ा सा। ये लो बाबा, और खाना भी तैयार है, आप हाथ मुँह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है बिटिया, मैं आता हूँ अभी। क्या हुआ बाबा, आप हंस क्यों रहे हो? पता है बिटिया, तुम्हें जब भी देखता हूँ तो तुम्हारी माँ की याद आ जाती है। बिल्कुल उसी की छाया हो तुम, उतनी ही सुंदर और उतनी ही समझदार। बाबा, कभी कभी माँ की बहुत याद आती है। कोई बात नहीं बेटी, दुखी मत हो, वो जहाँ भी है हमें खुश देखकर खुशी होगी। ये है कुलदीप और उसकी बेटी सौम्या। कुलदीप रूपनगर में कुम्हार का काम करता था। कुलदीप की पत्नी की मौत कुछ साल पहले हो गई थी और तब से सौम्या ही घर के सारे काम करती, लेकिन फिर भी उसका रूप हमेशा खिला खिला ही रहता था, जबकि दूसरी तरफ राजकुमारी अवंतिका थी। आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं राजकुमारी अवंतिका। आज तो मतलब मैं तो रोज ही सुंदर लगती हूँ दासी। जी श्यामा राजकुमारी, मेरे कहने का मतलब था आज आप सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हैं। आज तो आपको चाहे जो राजा या राजकुमार देख ले, वो आप पर मोहित होकर पागल ही हो जाए। सही कहा, पूरे रूपनगर राज्य में मेरे जैसा रूप किसी का नहीं है। अब हाँ राजकुमारी। क्या हुआ दासी, तुम इतना विचार करके क्यों बोल रही हो? नहीं तो राजकुमारी, आप ही सबसे सुंदर हैं। हाँ सच में, जो मन में है मुझसे वो कहो, वरना तुम्हें दंड मिलेगा। वो राजकुमारी, नगर में एक कुम्हार है कुलदीप, उसकी बेटी, उसका नाम सौम्या है। सुना है बड़ी सुंदर है, दिन भर मिट्टी में काम करके भी उसका रूप नहीं कुमलाता। दासी के मुंह से सौम्या के रूप की तारीफ सुनकर अवंतिका बुरी तरह से जल गई। वो अपनी आंखों से सौम्या को देखना चाहती थी, तो वो फौरन ही अपनी पालकी में बैठी और सीधा कुलदीप कुम्हार के आंगन में जा पहुंची। उसने देखा उसका चेहरा सोने की तरह दमक रहा था और उसके लंबे बाल घुटनों तक आ रहे थे, जो उसके रूप में चार चांद लगा रहे थे। सौम्या का इतना सुंदर रूप देखकर अवंतिका गुस्से से आग बगुला हो गई और फिर नहीं, ये नहीं हो सकता, एक साधारण सी लड़की मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। राजकुमारी, सुंदरता पर किसी का अधिकार नहीं होता, वो तो ईश्वर का दिया सौभाग्य होता है। नहीं, मैं उसके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दूंगी दासी। तुम जाकर एक ऐसा विष तैयार करो जिसका तोड़ किसी के पास ना हो। लेकिन राजकुमारी, हम उस लड़की के प्राण नहीं ले सकते, महाराज को पता चला तो? किसने कहा कि मैं उसके प्राण लेना चाहती हूँ? मुझे नफरत तो उसके लंबे बालों से है, जो उसे मुझसे ज्यादा सुंदर बना रही है। मैं चुपके से उसके बालों में ऐसा लेप लगाऊंगी कि उसके सारे बाल झड़ जाएंगे। फिर देखूंगी कि कैसे वो मुझसे ज्यादा सुंदर दिखती है। जाओ, अब जाकर वो करो जो मैंने कहा है। जो आज्ञा राजकुमारी। राजकुमारी अवंतिका के कहने पर दासी ने विष से भरा हुआ एक लेप तैयार किया और फिर रात के अंधेरे में राजकुमारी अपनी दासी के साथ चुपचाप कुलदीप के घर पहुंची, जहां सौम्या जमीन पर चटाई डालकर सो रही थी। उसके घने बाल देखकर अवंतिका को बहुत गुस्सा आया,
उसने फौरन उस विषैले लेप को सौम्या के बालों पर लगा दिया। लेकिन उसके बाद अगली सुबह जो हुआ उसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। हे ऊपर वाले, ये क्या है? क्या हुआ बाबा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? बेटी, तुम्हारे बाल। क्या हुआ मेरे बालों को बाबा? अपने बाबा की बात सुनकर सौम्या अपने बालों को हाथ में पकड़ती है, जो अब काले की जगह एकदम सुनहरे हो गए थे और अब सौम्या पहले से भी कहीं ज्यादा सुंदर दिख रही थी। उधर राजमहल में अवंतिका भी मुस्कुरा रही थी। दादी, अब तक तो उस बेचारी के सारे बाल झड़कर टूट गए होंगे, उसकी सारी सुंदरता एक झटके में खत्म हो गई होगी। अब तो निश्चित है इस पूरे रूपनगर में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। हाँ राजकुमारी, इसमें कोई संदेह नहीं। दासी की बात सुनकर अवंतिका जोर जोर से हंसने लगी, वो बहुत खुश थी। दूसरी तरफ सौम्या के सुनहरे बालों के बारे में अब पूरे नगर को पता चल चुका था। हर कोई सौम्या को देखने उसके घर पहुंच रहा था। अरे बाप रे, ये तो सच है, तेरी बाल तो वाकई बदल गए सौम्या। पता नहीं मौसी, कल तक तो सब कुछ ठीक था, मेरे बाल काले थे, पर जब मैं सुबह उठी तो मेरे बाल एकदम से सुनहरे हो गए। ऊपर वाले की कृपा है तुझ पर, पता नहीं क्या जादू हुआ है, पर तू तो पहले से भी अधिक सुंदर लगने लगी है। उस औरत की बात सुनकर सौम्या शर्मा गई। सौम्या के सुनहरे बालों की बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई, जिसे सुनकर नगर का सबसे बड़ा सुनार भी कुलदीप के घर आ पहुंचा। अरे गोविंद राम जी, आप क्यों पधारे, मुझे ही बुलवा लिया होता। नहीं नहीं कुलदीप, सुना तुम्हारी बेटी पर ऊपर वाले की कृपा हुई है, उसके बाल सुनहरे हो गए हैं। हाँ कुछ ऐसा ही समझे गोविंद राम जी, तो बुलाओ अपनी बेटी को, जरा उसके बाल तो दिखाओ। गोविंद राम ने सौम्या के बालों को अपने हाथों में लिया और उसे ध्यान से देखने लगा और फिर क्या हुआ गोविंद राम जी, ये बाल सिर्फ सुनहरे रंग के ही नहीं बल्कि असली सोने के हैं। ये तो सच में चमत्कारी है, पर ये सब हुआ कैसे भाई? कुलदीप ने उस सुनार को सारी बात बताई। ऊपर वाले का चमत्कार मानकर गोविंद राम ने सौम्या के आगे हाथ जोड़ लिए और वहाँ से चला गया। अब तो नगर का बच्चा बच्चा सौम्या के सुनहरे बालों के बारे में जान गया था और फिर जल्दी ही ये खबर अवंतिका तक भी पहुंच गई, जिसे सुनकर वो आग बगुला हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। दासी। जी राजकुमारी। राजकुमारी की बच्ची, तुमने क्या मिलाया था उस लेप में? ऊपर वाले की सौगंध राजकुमारी, उस लेप में जहरीला विष ही था जिससे उस सौम्या के बाल जल जाने चाहिए थे, पर पता नहीं कैसे वो सोने के बन गए। अगर ऐसा है तो एक काम करो, जाओ वो लेप फिर से लेकर आओ और उसे फौरन मेरे बालों पर लगा दो। लेकिन राजकुमारी, जितना कहा गया है उतना करो। अवंतिका ने उसी लेप को अपने बालों पर अच्छी तरह से लगवा लिया और फिर आराम से सो गई। लेकिन सुबह जब वो उठी तो उसके सर पर एक भी बाल नहीं था, वो पूरी तरह से गंजी हो गई थी। अपने आप को शीशे में देखकर वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसे इस हाल में देखकर उसकी दासी चुपचाप वहाँ से भाग निकली और फिर अवंतिका ने रोते हुए कहा, हे ऊपर वाले, ये क्या षड्यंत्र है, ये कैसी माया है आपकी, मेरे सामने आइए, मेरे साथ अन्याय हुआ है, धोखा किया है आपने, उस गरीब कुमारी को सोने के बाद और मुझे ये श्राप दिया आपने। कई दिनों तक ऊपर वाले के सामने रोने और गिड़गिड़ाने के बाद भी अवंतिका के सर पर एक भी बाल नहीं उगा। बड़े से बड़ा वैद्य भी कुछ नहीं कर सका
और तब जाकर अवंतिका को समझ आया कि ये सब उसके अपराध का दंड है जिसे हर हाल में उसे भुगतना ही पड़ेगा। फिर उसने खुद जाकर सौम्या और उसके पिता कुलदीप को सारा सच बता दिया और हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। कोई बात नहीं राजकुमारी, मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास है और ये विश्वास भी है कि ऊपर वाला आपके पश्चाताप से प्रसन्न होकर आपको क्षमा कर देंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं ऊपर वाले से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। सौम्या से बात करके अवंतिका को बड़ी शांति मिली और फिर अगली सुबह वो चमत्कार भी हो गया जिसकी उम्मीद अवंतिका ने छोड़ ही दी थी। उसके बाल उसे वापस मिल गए थे जिन्हें देखकर अवंतिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब वो बदल चुकी थी, उसने खुद की सुंदरता पर ध्यान ना देकर अपने राज्य की जनता की भलाई के बारे में सोचना शुरू किया जिसके बाद वाकई वो सबके दिलों पर राज करने लगी। बहुत समय पहले की बात है, सतारापुर नाम के एक गांव में रूपाली अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वैसे तो रूपाली का परिवार बहुत ही हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है क्योंकि उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। लेकिन रूपाली बचपन से ही एक अजीब सी बीमारी से जूझ रही होती है। रूपाली के बाल जन्म से ही सफेद थे जिसकी वजह से उसके माता पिता बहुत परेशान रहा करते थे। उन्होंने रूपाली के सफेद बालों का इलाज कई सारे डॉक्टर से करवाया लेकिन किसी भी डॉक्टर की दवाई का कोई भी असर रूपाली के बालों पर नहीं हुआ और उसके बाल हमेशा सफेद ही रहे। जब रूपाली छोटी थी तब उसे लोगों की बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसे लोगों के चिढ़ाने की वजह से बहुत दुख होने लगा। उसके स्कूल में भी सभी बच्चे उसका मजाक बनाया करते थे। इस वजह से तंग आकर वो अपना स्कूल चेंज करवा कर दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेती है और जब वो नए स्कूल के पहले दिन अपनी क्लास में जाकर बैठती है तो क्लास के सभी बच्चे उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। अरे सभी देखो तो, इस नई लड़की के बाल तो बिल्कुल ही सफेद हैं। लगता है कि ये कोई बूढ़ी अम्मा है और ये बूढ़ी अम्मा अब से हमारी क्लास में ही पढ़ा करेंगी। अरे दादी माँ, आपको अभी इस उम्र में पढ़ाई करने का शौक चढ़ा है क्या? आपकी उम्र तो अब भगवान के नाम जपने की हो गई है, अब आप पढ़ लिख कर क्या करेंगी? सभी बच्चों को अपना मजाक बनाकर हंसते हुए देखकर रूपाली बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए स्कूल से घर वापस आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मैं पहले जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ भी बच्चे मेरा मजाक बनाया करते थे, इसी वजह से मैंने दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन कराने के लिए आपसे कहा था, लेकिन आज नए स्कूल में भी बच्चों ने मेरा बहुत मजाक बनाया। फिर सभी मेरे बालों को बहुत तेज तेज खींच रहे थे जिसकी वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मेरे मना करने के बाद भी किसी ने मेरी बात नहीं मानी और सभी मेरा मजाक उड़ाते रहे। माँ मैं अब कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी, मुझे अब आगे की पढ़ाई भी नहीं करनी है और ना ही मैं आज के बाद कभी घर से बाहर निकला करूंगी, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ सभी मेरे सफेद बालों की वजह से मेरा बहुत मजाक बनाया करते हैं। लेकिन बेटी, इस तरह अपनी पढ़ाई छोड़कर तुम सिर्फ और सिर्फ अपना ही नुकसान करोगी, क्योंकि इस दुनिया में किसी और की वजह से हमें कभी भी अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से केवल हमारा ही नुकसान होता है, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ता। माँ आप मुझे अब और मत समझाइए, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं आज के बाद कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी और ना ही कभी घर से बाहर निकला करूंगी, इसलिए आप प्लीज मुझ पर दबाव मत डालिए।
ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा कर सकती हो। मेरा काम सिर्फ तुम्हें समझाना है। चलो ठीक है, अब तुम इन फालतू की बातों पर ध्यान देना बंद करो और चलकर हाथ मुंह धो के खाना खा लो। अपनी माँ के समझाने पर रूपाली रोना बंद कर देती है और हाथ मुंह धोकर सबके साथ बैठकर खाना खा लेती है। उसके बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रूपाली भी सोने के लिए अपने बेड पर लेट जाती है, लेकिन काफी देर तक करवटें बदलने के बाद भी उसे नींद नहीं आती, क्योंकि उसका सारा दिमाग तो लोगों की बातों पर ही रहता है और वो मन ही मन खुद को कोस रही होती है। काफी देर तक इस तरह सोचने की वजह से उसके दिमाग में आत्महत्या करने के विचार आने लगते हैं और वो मन ही मन कहती है, क्यों ना मैं आत्महत्या ही कर लूं, क्योंकि ऐसा करने से मेरे भी जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और मेरे माता पिता को भी मेरी वजह से दूसरे लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस तरह अपने मन में आत्महत्या करने का विचार बनाकर रूपाली सभी के सो जाने के बाद घर से बाहर निकल जाती है और बहुत देर तक चलने के बाद वो एक कुएं के पास पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो आत्महत्या करने के इरादे से कुएं में छलांग लगाती है तो तुरंत ही एक जादुई परी उसे अपनी गोद में उठाकर कुएं से बाहर ले आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इस तरह कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान क्यों देना चाहती थी? तुम्हारे जीवन में आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से तुमने इतनी कम उम्र में आत्महत्या करने का फैसला कर लिया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें जरूर दूंगी। परी के पूछने पर रूपाली रोते हुए अपनी सारी समस्या परी को बता देती है। उसकी समस्या को सुनकर परी उससे कहती है, बेटी तुम इस तरह निराश मत रहो, मैं तुम्हें अभी बिल्कुल ठीक कर देती हूँ। मेरे जादू से तुम्हारे ये सफेद बाल हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और तुम्हारे सर पर बहुत ही खूबसूरत काले लंबे और जादुई बाल आ जाएंगे और ये बाल ना तुम्हें केवल औरों से खूबसूरत बनाएंगे बल्कि अपने जादू से तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं को भी खत्म कर देंगे। तुम अपने जादुई बालों को हाथ में पकड़कर जो कुछ भी चीज मांगोगी ये जादुई बाल तुरंत ही तुम्हें वो चीज लाकर दे दिया करेंगे। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर जादू कर देती है और रूपाली के सारे सफेद बाल गायब हो जाते हैं और उसके सर पर बहुत ही लंबे काले घने और सुंदर जादुई बाल आ जाते हैं। उसके बाद रूपाली परी को धन्यवाद करती है और फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद रूपाली वापस अपने घर पर आ जाती है और सुबह अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसके माता पिता अपनी बेटी की समस्या को खत्म हुआ देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद रूपाली फिर से अपनी पढ़ाई भी शुरू कर देती है और अपने जादुई बालों की मदद से वो गरीब लोगों की मदद करती है। फिर वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक दिन जब दीपिका सोकर उठी तो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरे बाल कहाँ चले गए, मैं गंजी कैसे हो गई, मेरे बाल। और ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ और उसकी सौतेली बहन पूजा आ जाते हैं और उसे गंजा देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। एक गांव में दीपिका अपने माता पिता और एक सौतेली बहन के साथ रहती थी। उसकी सौतेली बहन पूजा काफी काली थी पर वही उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे थे जिस वजह से दीपिका हमेशा उससे जलती थी, क्योंकि वो गोरी होने के बावजूद भी उतनी सुंदर नहीं थी जितनी पूजा थी और उसके बालों की तो हर कोई तारीफ करता था।
भले ही पूजा सौतेली बेटी थी पर सुमन ने उसके साथ कभी भी सौतेला व्यवहार नहीं किया था और वो अपनी दोनों बेटियों को एक समान प्यार करती थी। एक दिन की बात है, पूजा खाना बना रही थी कि तभी वहाँ पर दीपिका आ जाती है और उसे देखकर उसकी माँ सुमन ने उससे कहा, अरे दीपिका चल आ, अपनी बहन का हाथ बटा ले आकर रसोई में। मुझे नहीं बनाना कोई खाना वाना, वही काफी है, वैसे भी एक नौकरानी के होते हुए मैं क्यों काम करूँगी। तुझे वो नौकरानी दिखती है, वो तेरी बड़ी बहन है, तमीज से बात किया कर। जब देखो तो आप मुझ पर ही चिल्लाती रहती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सौतेली वो नहीं मैं हूँ। तू ऐसा क्यों कह रही है, तेरे मन में जो जहर भरा है उसे निकाल दे, वो तेरी बड़ी बहन है। अच्छा अगर बड़ी बहन है तो कहो ना इससे कि अपने बालों को मुझे दे दे, वैसे भी ये काली है, इतने लंबे बालों का क्या ही करेगी। अरे तो ऐसे कह रही है जैसे वो अपने बाल काट के तुझे दे दे। चला रसोई में आकर काम कर और अपने झाड़ू जैसे बालों के लिए उससे लड़ाई मत किया कर। अच्छा मेरे बाल झाड़ू जैसे हैं और इसके रेशम से, आज जब देखो तब उसकी ही साइड लेती हो। दीपिका इतना कहकर वहाँ से चली गई। दीपिका के जाने के बाद पूजा ने अपनी माँ से कहा, माँ आप दीपिका से इस तरह से बात मत किया कीजिए, अभी वो छोटी है। नहीं बेटा, मैंने काफी बार देखा है वो तुमसे हमेशा बुरा व्यवहार करती है, जबकि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, आखिर तुम दोनों बहने हो। इसके बाद सुमन वहाँ से चली जाती है और पूजा वापस रसोई में जाकर अपने काम करने लगती है। वो पूरे दिन घर का काम करती थी और अपनी माँ की सेवा भी किया करती थी, जिस वजह से सुमन उससे बहुत खुश थी। तो वही दीपिका उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी और खास तौर से उसे पूजा के लंबे बाल तो बहुत बुरे लगते थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन पूजा अपने बालों में तेल लगा रही थी, तभी वहाँ पर दीपिका आ जाती है और वो उससे कहती है, अच्छा तू कौन सा तेल लगाती है मुझे भी बता, मुझे भी अपने बालों में वही तेल लगाना है। मैं तो सरसों का तेल लगाती हूँ, ला तेरे बालों में भी वही लगा देती हूँ। क्या तू मुझसे झूठ बोल रही है ना, मुझे पता है तू चाहती ही नहीं है कि मेरे बाल भी लंबे हो, क्योंकि फिर मैं तुझसे ज्यादा सुंदर दिखूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है बहन, मैं तो काली हूँ, मुझे तुमसे क्या ही जलन, तू तो वैसे भी मुझसे बहुत सुंदर है। नहीं तू तो बस ऐसे ही कह रही है, देखना एक दिन मेरे बाल भी लंबे हो जाएंगे। इसके बाद दीपिका वहाँ से चली गई और उसके जाने के बाद पूजा काफी ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि वो कभी भी अपनी बहन को दुखी नहीं करना चाहती थी, वो हमेशा यही चाहती थी कि उसकी बहन उससे प्यार करे। पर दीपिका उसके साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। इसके बाद पूजा अपने बालों में तेल लगाने लगती है और वही दीपिका अपनी सहेली तानिया के पास आती है और बोलती है, अरे तानिया क्या तेरे पास कोई ऐसा तेल है जिससे मेरे बाल भी लंबे हो जाएं? क्यों तेरी सौतेली बहन ने तुझे नहीं बताया क्या, उसके बाल तो कितने लंबे हैं, मुझे तो उसके बाल देखकर बड़ी जलन होती है। हाँ तू एकदम ठीक कह रही है, एक तो काली कलूटी है, ऊपर से बाल भी इतने लंबे हैं कि पूरी नागिन लगती है। सही कहा तूने, उसे तो टीवी सीरियल में नागिन होना चाहिए था। और ये कहकर वो दोनों हंसने लगती है। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजरती है और वो उन दोनों को हंसता हुआ देखकर उनसे कहती है, अरे क्या हुआ, क्यों इतना हंस रही हो बेटा। अरे कुछ नहीं अम्मा, बस ऐसे ही, तुम बताओ कहाँ जा रही हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है। अरे ये मैंने तेल बनाया है, इससे बाल बहुत लंबे हो जाते हैं। क्या तुम सच कह रही हो। हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, यदि तुम्हें यकीन नहीं होता तो मेरे बालों को ही देख लो। और ये कहकर वो उन दोनों को अपने बाल दिखाती है, उसके बाल भी काफी लंबे थे, जिसे देखकर वो दोनों काफी हैरान रह जाती हैं। फिर उस बूढ़ी औरत से कहती हैं,
क्या ये तेल आप मुझे दे सकती हैं? नहीं, ये तेल तो मैंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया है। हाँ, अगर तुम्हें ये तेल चाहिए तो इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आपको क्या चाहिए? तुम्हारे पास जो भी है दे दो, वरना मैं तुम्हें अपना तेल नहीं दूंगी। ये सुनकर दीपिका भागी भागी अपने घर जाती है और चुपचाप अपनी माँ के पर्स से पैसे निकाल लाती है, फिर उस बुढ़िया को दे देती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत उसे वो तेल दे देती है। वो तेल पाकर दीपिका बहुत खुश हो जाती है और तानिया से कहती है, अब देखना मेरे बाल भी बहुत लंबे होंगे, तब मैं उसे बताऊंगी। ज्यादा अपने बालों का घमंड दिखाती है। जब तेरे बाल लंबे हो जाएं, तो मुझे भी ये तेल दे देना, मुझे भी अपने बाल लंबे करने हैं। हाँ हाँ जरूर कर लेना, वैसे भी खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलता ही है। तू तो ऐसे कह रही है जैसे खुद कितनी अच्छी हो, खुद पर भी तो सोच, सौतेली बहन का रंग चढ़ा है, उसी की तो नकल कर रही है तू। मुझसे ज्यादा जुबान मत लड़ा, समझी तू? दोस्त है दोस्त की तरह ही रहे। इस तरह तानिया भी भड़क जाती है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, जिसके बाद दीपिका अपने घर आ जाती है और तानिया गुस्से में कहती है, जा जा ले जा इस तेल को, देखना तो पूरी की पूरी गंजी हो जाएगी गंजी। वहीं दीपिका घर पर आ जाती है और उस तेल को अपने बालों में लगाने लगती है। तभी उसके कमरे में पूजा किसी काम से आती है और उसे तेल लगाता देखकर उससे कहती है, अरे ये तुम कौन सा तेल लगा रही हो, किसने दिया है ये तुम्हें? तुमसे मतलब, तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे बात मत किया करो, मुझे तुम्हारी ये गंदी सी शक्ल देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और रही बात इस तेल की, तो ये मुझे बुढ़िया ने दिया है और इससे मेरे बाल लंबे हो जाएंगे। क्या ये तुमसे किसने कहा, इसे अपने बालों में मत लगाओ? हाँ हाँ मुझे पता है, तू तो चाहती ही नहीं कि मेरे बाल लंबे हो, है ना? अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं है, कई बार लोग हमें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे तेल दे जाते हैं जो हमारे बालों को खराब कर देते हैं। नहीं मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, मुझे तो यही तेल लगाना है, यही तेल लगाना है। और ये कहकर दीपिका उस तेल को लगा लेती है। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन की बात है, जब दीपिका सोकर उठती है तो उसके सर पर कुछ ही बाल बचे थे, उसके सारे बाल झड़ गए थे। ये देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों कमरे में आती है और दीपिका को गंजा देखकर उसकी माँ उससे कहती है, अरे बेटी ये क्या हो गया, तेरे बाल कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता माँ, ये क्या हो गया? तभी पूजा को याद आता है कि दीपिका एक तेल लगाया करती थी और वो अपनी माँ से कहती है, माँ ये सब उस तेल की वजह से हुआ है, दीपिका को वो तेल किसी ने दिया था। क्या, कौन सा तेल? पूजा उस तेल की शीशी को लाती है और सुमन को दिखाती है, तो सुमन शीशी को देखकर दीपिका से कहती है, अरे ये तुम्हें किसने दिया, ये तो बालों को खराब करने वाला तेल है, इससे सारे बाल झड़ जाते हैं। क्या, मुझे नहीं पता, मुझे तो एक गुड़िया ने दिया था और कहा था मेरे बाल इससे बहुत लंबे हो जाएंगे। अच्छा तो उस दिन तुम ही मेरे पास से पैसे निकाल कर लेकर गई थी, हुँ? अब देखा तुमने, तुमने अपनी बहन से नफरत की वजह से अपना ही घाटा कर लिया। तुम अपनी बहन से इतनी नफरत करती थी कि तुमने अपने बालों को ही खो दिया। ये सुनकर दीपिका काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इस पर पूजा ने उससे कहा, बहन तू मत रो, मैं तुम्हारे बालों को लंबा कर दूंगी। तुम कैसे करोगी, तुम तो चाहती ही नहीं थी कि मेरे बाल लंबे हो। नहीं बहन ऐसी बात नहीं है, तुम शांत हो जाओ, देखना कुछ ही दिनों में तुम्हारे बाल पहले जैसे हो जाएंगे।
और उसके बाद वो रोजाना दीपिका के सर की चम्पी किया करती थी। और कुछ ही दिनों में दीपिका के बाल पहले जैसे और उससे भी ज्यादा लंबे हो गए, जिसे देखकर उसे काफी खुशी होती है और वो पूजा से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुमसे नफरत करती रही, तुम्हारे काले रंग से और तुम्हारे बालों से जलती रही। मुझे पता लग गया है कि ऐसा करना मेरी बेवकूफी थी, मुझे माफ कर दो। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इसके बाद वो दोनों बहनें हंसी खुशी से रहने लगती हैं और अब दीपिका को भी पता लग गया था कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। अरे वाह अनिका, तेरे बाल तो बहुत लंबे हैं। इतने लंबे बालों का क्या राज है? कोई राज नहीं है, मेरे बाल तो बचपन से ही लंबे हैं। चल झूठी, मैं नहीं मानती, मेरे बाल तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। कितनी कोशिश करती हूँ, कितना सारा तेल लगाती हूँ, पर बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। ऊपर से हर रोज झड़ रही हैं। लेकिन तेरे बाल कैसे लंबे हैं इतने? तेरे पास तो तेल खरीदने को भी पैसे नहीं है। मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, मेरे बाल बचपन से ही इतने लंबे हैं। सिर्फ मेरे ही नहीं, मेरी तीन बहनों के बाल भी इतने ही लंबे हैं। अनिका के बाल उसके पैर तक आते थे। उसकी माँ विधवा थी और बहुत गरीब थी। अपनी चौथी बेटी के जन्म के बाद उसका पिता मर गया था। तब से कभी लोगों के घर पर काम करके तो कभी फुटपाथ पर कुछ बेचकर वो घर चलाती थी और रोज रात को सोने से पहले अपने पति को याद करके बहुत रोती थी। अब इतनी जल्दी क्यों चले गए मुझे छोड़कर? बेटे के चक्कर में चार चार बेटियां पैदा हो गई, अब इनकी शादी कैसे करवाऊंगी मैं? यहाँ तो दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे ही गरीबी में उसकी चार बेटियां बड़ी होने लगी। घर में खाना नहीं था, जेब में पैसा नहीं था। कला की बड़ी बेटी अनिका उसकी माँ से कहती थी, माँ देखो हमारे बाल कितने बड़े हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इतने सुंदर बाल देख कर तो लड़के ऐसे ही शादी कर लेंगे। तो भी ना बेटी बहुत मासूम है, दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना तू सोचती है। शादी के लिए दहेज देना पड़ता है, लेकिन मैं तुम चारों के लिए दहेज कैसे दूंगी? अनिका की बहन सुहानी ने कहा, तो फिर दहेज नहीं देंगे माँ, हम खुद कमाएंगे और यही रहेंगे आपके साथ। अच्छा, लेकिन कमाओगी कैसे? मुझे देख रही हो ना, सुबह से लेकर शाम तक कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन पैसे बचते ही नहीं है। आप पढ़ी लिखी नहीं हो माँ, हम पढ़ लिख लेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी। यही सोचकर चारों बहनें स्कूल में भर्ती हो गईं। लंबे बालों की वजह से बहुत जल्द स्कूल में उनकी एक पहचान बन गई। सभी उन्हें लंबे बालों वाले बहनों के नाम से जानने लगे। वो चारों शाम के बाद लोगों के घर पर काम करने गईं, ताकि पढ़ाई का खर्चा निकल सके। अनिका कॉलेज में भर्ती हो गई और तभी कला की तबीयत खराब हो गई। वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही थी और पूरा दिन बस खांस रही थी। अनिका बेटी, अब क्या होगा? मैं तो बीमार पड़ गई हूँ और काम भी नहीं कर सकती। तेरी तीन तीन छोटी बहनें हैं, अब घर का काम कैसे चलेगा बेटी? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, मैं और मेहनत करूँगी। धीरे धीरे अनिका के ऊपर सारी जिम्मेदारी आने लगी। दीदी मेरा स्कूल ड्रेस फट गया है, मुझे नई ड्रेस चाहिए। दीदी मुझे नई किताबें चाहिए। मुझे नए जूते चाहिए, ये जूते खराब हो गए हैं। और कला भी खांसते हुए कहने लगी, अनिका बेटी मेरी दवाई खत्म हो गई है, कल दवाई ला देना। एक तरफ घर की जिम्मेदारियां और दूसरी तरफ कॉलेज की पढ़ाई, सब कुछ एक साथ संभालते हुए अनिका की हालत खराब हो रही थी। ऊपर से टीचर की डांट वो अलग। उर्मिला मिस अनिका से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ महीनों से अनिका के नंबर कम आने की वजह से वो अनिका से खफा हो गई थी। अनिका ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कुछ महीनों से एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? वो मैम घर में माँ बीमार है इसलिए।
चुप रहो, बहाना मत बनाओ। बस पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है तुम्हारा, बाकी बालों का ध्यान तो पूरा रख रही हो। नहीं मैडम, मैं बालों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। अच्छा, बालों का ध्यान नहीं रखती, तो क्या तुम्हारे बाल ऐसे ही इतने लंबे हो गए? हाँ मैडम, मेरे और मेरी बहनों के बाल ऐसे ही लंबे हैं बचपन से। ये सुनकर उर्मिला मिस के भी होश उड़ गए कि किसी के इतने लंबे बाल कैसे हो सकते हैं। अगले दिन से अनिका ने कॉलेज जाना ही बंद कर दिया। उससे और इतना कुछ संभाला नहीं जा रहा था और फुटपाथ पर उसने पानी पूरी बेचना शुरू कर दिया। पानी पूरी बेचकर घर तो चल रहा था, लेकिन अनिका का नौकरी करने का सपना सपना ही रह गया और पानी पूरी बेचकर इतना पैसा तो आ नहीं रहा था कि उससे पूरी जिंदगी आराम से कट जाए। अनिका जैसे एक चक्की के बीच में फंस गई थी और उस चक्की का नाम जीवन था। वो हर वक्त दुखी दुखी सी रहने लगी। इसी तरह समय बीतने लगा। उधर उर्मिला मिस भी अनिका को भूल ही गई। कला की हालत और ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो बच नहीं पाएंगी और ऑपरेशन के लिए पूरे 4 लाख रुपए की जरूरत है। इन सारी बातों से अनिका बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन लोगों की जिंदगी में एक मोड़ तो आता ही है जहां जिंदगी उसे एक मौका देती है। उर्मिला मिस के पति एक एड एजेंसी में काम करते थे और कुछ दिनों से बहुत परेशान थे। क्या बात है, आजकल बहुत परेशान लग रही हो? हाँ यार उर्मिला, एक नई तेल की कंपनी का काम है, उनके लिए एड बनाना है और उसमें लंबे बालों वाली लड़कियाँ चाहिए यार, लेकिन एक भी मॉडल नहीं मिल रही है जिसके बाल लंबे हों। सभी के बाल छोटे हैं, आजकल तो छोटे बालों का ही फैशन चल रहा है। लंबे बालों वाली लड़कियाँ चाहिए तुम्हें? हाँ, बाल नेचुरल हो तो और भी अच्छा, लेकिन आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियाँ। खैर छोड़ो। अरे नहीं रुको, मैं ऐसी लड़की को जानती थी, उसके बाल पैर तक आते थे और उसने मुझे एक बार कहा था कि उसके बाल ऐसे ही लंबे हैं। अच्छा, मुझे तो वही लड़की चाहिए, लेकिन कहाँ मिलेगी वो लड़की? सिर्फ वो ही नहीं, उसकी 3 बहनें भी हैं। अरे वाह, क्या बात कर रही हो उर्मिला, मुझे जल्दी से उस लड़की के पास ले चलो। कैसे? उस लड़की ने तो कॉलेज ही छोड़ दिया, बहुत अच्छी लड़की थी। अरे यार, सारा मूड खराब कर दिया। चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, मूड ठीक हो जाएगा। उर्मिला उसके पति के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गई और तभी रेस्टोरेंट के पास जाकर देखा कि रेस्टोरेंट बंद है। अरे यार, आज तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ, अब क्या खाएंगे हम? तभी एक लड़की उनके पास आई और कहा, अरे उर्मिला मिस, आप यहाँ पानी पूरी लेंगी क्या? मैं पानी पूरी और भेल पूरी बेचती हूँ। अनिका वहीं पर पानी पूरी बेचती थी। गाड़ी देखकर वो पानी पूरी पूछने के लिए आई थी और उसे देखकर उर्मिला मिस को जैसे हाथ में चांद मिल गया। अरे अनिका तुम, अरे देखो यही है वो लंबे बालों वाली लड़की जिसके बारे में मैं बोल रही थी। अरे वाह, तुम्हारे बाल तो बहुत लंबे हैं, एक विज्ञापन में काम करोगी क्या? और ऐसे ही अचानक से अनिका और उसकी बहनों की जिंदगी बदल गई। चारों बहनों ने मिलकर तेल का विज्ञापन किया और वो विज्ञापन इतना फेमस हो गया कि चारों बहनों को एक के बाद एक काम मिलने लगे और लंबे बाल उनकी पहचान बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।